अस्सलामुअलैकुम शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। 20 साल के बाद अफगानिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी अमेरिका की फौजी एयरबेस, अमेरिका का सबसे बड़ा फिजाई अड्डा ग्राम एयरबेस, 20 साल के बाद आखिरकार इतवार वाले दिन खाली कर दिया जाएगा। तवील अरसे की जंग हुई, अब अफगानिस्तान में जो अमरीकी साजो सामान मौजूद है, अमरीका इस चीज को लेकर भी खौफजदा है। हम ये साजो सामान वापस तो लेकर नहीं जा सकते, लेकिन वो अफगानिस्तान में ही उसे तोड़ रहे हैं, उसका कबाड़ खाना बना रहे हैं। अब अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के सरबराह जनरल ऑस्टन मिलर ने ये साफ तौर पर बता दिया है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब के मौकफ की हमायत की है और कहा है अफगानिस्तान में अमन सिर्फ और सिर्फ सियासी मुफाहमत से ही आ सकता है। वजीर आजम इमरान खान साहब 20 साल से ये बात कह रहे थे, तालिबान के साथ लड़ना किसी मसले का हल नहीं है, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, मसले हल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होंगे। ऐसी सूरत हाल में जब अमरीका वापिस जा रहा है, तालिबान की पेशरफ्त बड़ी तेज हो चुकी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। अब अमरीकी फोर्सेज ने ये कहा है कि देखें, फौजी सामान हम साथ वापस तो नहीं लेकर जा रहे, लेकिन उसे तालिबान से बचाने के लिए हम उसे तबाह कर रहे हैं और फिजाई अड्डा मुमकिन तौर पर इतवार तक खाली होगा। और ये अड्डा कायदा तौर पर अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है, यानी अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। देखें, खदशा तो ये भी है कि अफगान तालिबान जिस तेजी से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे कर रहा है, अमरीकी फोर्सेस के जाने के बाद उनका इक्तदार तो चंद दिन का मेहमान रह जाएगा। क्योंकि देखें, अशरफ गनी भागता हुआ गया है अमरीकी सदर जो बाइडन को मिलने, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि आप अगर गए तो हमारा इक्तदार चंद दिन का मेहमान रह जाएगा। अब यही बात अमरीकी जनरल भी कर रहे हैं। देखें, हमने कार्रवाइयां की, हमने बम्बार्डमेंट की, 20 साल तक हम लड़ते रहे, हर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हर जदीद हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार ये तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। देखें, दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान के तरले मिनते कर रही थी, भाई आप हमें अड्डे दे दें, कि वो खित्ते में अपना सुरूर सुख कायम रखना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नोट का पैगाम दिया, उसके बाद उनके खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर साजिशें होने लगी। देखें, इस मौके पर इसराइल से खबर निकलता है, वजीर आजम इमरान खान साहब के मामले खसूसी इसराइल इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए थे, जबकि के मामले खसूसी कहते हैं जनाब मैं तो कभी गया ही नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इसराइल नहीं देखा। ऐसी तो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, यानी इंटरनेशनल सतह पे जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ आपके सामने हैं। जनरल ऑस्टन कहते हैं कि तालिबान तेजी से अफगानिस्तान बिलखसूस वो शुमाली इलाकों पर बड़ी तेजी से कब्जा कर रहा है। अहीन टीवी की जो इतलात है उसके मुताबिक वो अभी तक 86 से जायद इजला पर काबिज हो चुका है, अफगान फोर्सेस उनका मुकाबला करने से कासिर नजर आती है। 20 साल तक हालांकि उनकी ट्रेनिंग होती रही, दुनिया की सुपर पावर ने उनका मुकाबला कर पाई, उनको शिकस्त नहीं दे सकी, तो अफगान फोर्सेस क्या कर लेंगी। फिर देखें, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यक जुबान होकर उन्होंने कहा है अब डू मोड वाला तो सिलसिला गया, अब भाई बराबरी की सतह पर हम बात करेंगे। अब ये पुराना दौर नहीं है, जब आप हमें डूम और का कहते थे तो हम डूम और करते थे, बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए, हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे तालुकात चाहते हैं। इमरान खान साहब का दो टोक मौकफ है, अमरीकी एक सेनेटर है, उन्होंने कहा है अफगानिस्तान में फौजी इनखिला के मौके पर अगर इमरान खान साहब की ना मानी गई, अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम इमरान खान साहब से राबता करके रास्ता ना निकाला, ये अफगानिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू होगी कि जिसकी कोई तवक्का भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा है वजीर आजम इमरान खान साहब जो कहते हैं, जो भी आपको हिकमत अमली देते हैं आपको उस पर अमल करना होगा। ये तो सारी सूरत हाल है, दुनिया की सुपर पावर इमरान खान साहब की तरफ देख रही है, लेकिन इमरान खान साहब उन्हें लिफ्ट नहीं करा रहे। ये सूरत हाल जैसे जैसे 11 सितंबर करीब आता जा रहा है, वैसे इसमें शिद्दत आती जा रही है, और अशरफ गनी तो वैसे ही पहले ही खौफजदा है कि उसको अपने इक्तदार की फिक्र है, और उसे पता है तालिबान जिस तेजी से पेशकदमी कर रहा है, मेरा इक्तदार गया। दूसरी जानिब अमरीका जो दुनिया की सुपर पावर है, देखें उसे 20 साल बाद किस तरह से शिकस्त हुई है, तालिबान वहां पर आम लोगों में उनका सुरूर सुख उनका नाम बढ़ गया है, कहते हैं देखो हमने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है,
अमेरिका का सबसे बड़ा फिजाई अड्डा था जिसे बगराम एयरबेस जाता था। यहाँ पर वो सारा जंगी साजो सामान यहीं से वो अपने जहाज उड़ाते थे। और फिर देखें ये अगर ये खाली होती है इतवार वाले दिन तो यकीनन इससे पूरी दुनिया में वाजिया हो जाएगा कि अमरीका कस्त खा कर निकल रहा है। लिहाजा पाकिस्तान का मौकफ वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब तालिबान खान कहा गया, उन्हें बिना दारी के दहशत गर्द कहा गया, तरह तरह के नाम दिए गए लेकिन वो अपने मौकफ पर डटे रहे और वक्त ने साबित किया कि जनाब वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान अबरी की सतह पर बात कर रहा है, किसी किस्म का ना डूम और कर रहा है और ना ही वो किसी किस्म की जंग की हमायत कर रहा है। वो अफगानिस्तान में अमन ही चाहता है। अमन चाहते हैं तो इस वजह से ही तो पाकिस्तान ने दोहा मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा अब जनरल ऑस्टन, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब के मौकफ की हमायत की है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में मन सिर्फ सियासी मुफाहमत से आ सकता है जंग, और उन्होंने कहा है अफगान फोर्सेस की मदद के लिए तायुनात मलेशिया से मुल्क खाना जंगी में चला जाएगा। उन्हें पता है तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करना किसी मसले का हल नहीं है। अहम नाजरी ने मोहतरम वक्त ने साबित कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे और पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल ठीक था। अहम नाजरीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।